नमस्कार, डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया है वर्ष 2022-23 के लिए। नरेंद्र मोदी सरकार का ये 10वां बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है। चूंकि ये बजट 5 राज्यों के चुनावों के साये के बीच में आया है, ये बजट उस समय में आया जब 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। पंजाब में किसानों का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा है, तो जाहिर है कि इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ होना था और सरकार ने किसानों के लिए हर बार की तरह इस बार भी खजाना खोल दिया है। सांता क्लॉज बन गई है मोदी सरकार। अगर किसानों के लिए मैं बात कहूँ तो नदियों को जोड़ा जा रहा है, रासायनिक खेती की जगह ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जा रहा है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। और अगर किसान की बल्ले बल्ले हो गई तो वित्त मंत्री जी इस बजट के माध्यम से और मोदी सरकार इस बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि अगर किसान की बल्ले बल्ले हो जाएगी तो चुनाव में भाजपा की भी बल्ले बल्ले हो सकती है। वो देखना पड़ेगा, वक्त बताएगा कि ये बल्ले बल्ले होती है कि नहीं। लेकिन मध्यम वर्ग को एक बार फिर से निराशा दिखाई दे रही है इस बजट में। आयकर की स्लेब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, आयकर की छूट की बात जो थी उसमें कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दी है, और बल्कि काले धन को रोकने के लिए सरकार और ज्यादा सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने कहा भी है कि अगर अब रेट पड़ी और आपके यहाँ जो भी पैसा मिला वो जब्त हो जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही सरकार एक सिंघम मूड में दिखाई दे रही है, टैक्स चोरने वालों के लिए, टैक्स चोरी करने वालों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में दिखाई दे रहा है। बजट बहुत पॉजिटिविटी के साथ आया है, बहुत सकारात्मकता के साथ आया है। शेयर बाजार ने भी बजट का स्वागत किया है। तो इस तरह की उम्मीद दिखाई दे रही है कि ये बजट जो है वो निर्मला सीतारमण ने एक बूस्टर डोज देने की कोशिश की है अर्थव्यवस्था को, और निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था जो 2 साल से कोविड के साये में है उसके बावजूद भी इतना बढ़िया GST कलेक्शन, इतना बढ़िया रेवेन्यू कलेक्शन कहीं ना कहीं सरकार की प्रशंसा करने के लिए आपको मजबूर करता है। पर सबसे बड़ी बात ये, महंगाई कैसे महंगाई से निपटा जाएगा, इस बजट में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये लगता है कि महंगाई दर और बढ़ेगी। हालांकि विकास दर की बात है तो आने वाले साल में 8 और 8.5 की विकास दर रखने की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने अपना विकास दर का अनुमान घटाया है, वही मौजूदा दर में 9.5 की विकास दर की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अर्थशास्त्रियों की इसमें मतभेद है कि इस तरह के विकास होगा या नहीं। इसी तमाम मुद्दों पर, बजट की तमाम बड़ी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर रेखा आचार्य मौजूद हैं। आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर हैं और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सोशल मीडिया सोशल साइंस डिपार्टमेंट की प्रमुख हैं। मेरे दूसरे खास मेहमान हमारे ही DNA न्यूज के CFO हैं, CA चपलोत साहब। आप वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हर बार बजट पर वो आयकर से संबंधित और जो टैक्स स्लैब संबंधित होती है उससे हमारे दर्शकों को अवगत कराते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रेखा जी, सबसे पहले आपसे मोटे तौर पर इस बजट को आप कैसे देखती हैं, बजट को आपने सुना है, इसकी क्या खास बातें, एक मैं चाहूँगा कि आपका एक सार इस बजट को लेकर आ जाए। जी बहुत सही है प्रतीक जी, जैसा आपने कहा कि ये बजट बहुत सकारात्मक है, अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है, और साथ में ही अर्थव्यवस्था में बजट की कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर पे पूरा जोर है इसमें, एग्रीकल्चर में मुख्यतः जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके लिए, उनको डिजिटलाइजेशन से जोड़ने की इसमें खास बात कही गई है, और जो क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जाएगा। जितना भी मतलब जो नुकसान होता है फसलों को लेकर मानसून के कारण या जो है उसका पूरा का पूरा जो असेसमेंट होगा वो डिजिटलाइजेशन, और इसलिए फार्मर्स के इस नुकसान को असेस करने के लिए उन्होंने फार्मर्स ड्रोन की सुविधा करी है। और इसके साथ ही ये जो पूरा बजट लेकर आया है वो एक प्रकार से आप ऐसा कहिए कि जो अभी आर्थिक विकास 9.2% की मान के चल रहे हैं उसको एक स्टेबिलिटी देने वाला लेकर आया है। और इसके लिए सरकार ने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया है 8.9% तक का, और फिजिकल डेफिसिट को भी 6.8% तक रखने का, GDP के 6.8% तक रखने का फैसला सुनाया है, एक लक्ष्य तय किया है, और बजट को जो है 6 राजकोषीय घाटे का 6.4
6.4 रखेंगे। हाँ। आगे वो फिगर नहीं आया कि कितना घाटे का ये बजट पेश किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको 6.4 तक मिनिमाइज करेंगे। परंतु इन दोनों मेजर से ये दिखता है कि सरकार इन्वेस्टमेंट के पूरे मूड में है। जो आर्थिक विकास की दर भारत ने अभी तक हासिल की है उसको मेंटेन कर पाएगी, और इसमें मुख्य बात उन्होंने जो कही है, उन्होंने एमएसएमई को बहुत सपोर्ट करने की बात कही है कि एमएसएमई को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए सारे लाभ पहुंचाए जाएंगे। इसके साथ ही एमएसएमई के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स की भी घोषणा सरकार ने की है। तो ओवरऑल देखें जो इस पूरे बजट के माध्यम से जो हम अभी तक बात करते आए हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, तो स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात करी है, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, महंगाई पर, लेकिन चपलो साहब, सीए साहब बहुत सारे कागज और बहुत सारी लिखा पढ़ी करके साथ होमवर्क के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे कर लूं कि टैक्स पेयर के हिसाब से ये बजट कैसा है? सर, दो साल से कोविड के कारण अपन जो सफर कर रहे हैं, सामान्य नागरिक भले ही ये उम्मीद रख रहा हो कि हमें टैक्स में बहुत कुछ राहत मिलेगी, पर ऐसी मेरी उम्मीद नहीं थी। हाँ, एक चीज़ जरूर सुधार की है कि अगर व्यक्ति अपनी गलती से कोई इनकम डिक्लेयर करने से रह जाता है तो दो साल के अंदर अंदर वो उन नए प्रोविजंस के तहत अपनी रिटर्न रिवाइज करके टैक्स दे सकता है। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बेनिफिट है वो आम आदमी के लिए किया गया है, और इसके अलावा आम आदमी को रिलीफ मिले, बहुत से खर्चे किए गए जो मैडम भी कह रही थी, एक एक सेक्टर को लिया जाए, ये ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए कहा जाए या डिजिटल को कहा जाए, तो बैंक को, पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग में शामिल कर लिए। आज की तारीख में हर गांव, हर जगह जो पोस्ट ऑफिस से कनेक्टेड है वो नेशनल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम पे आ गई। लेन देन डिजिटल ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो करेंसी भी रिजर्व बैंक लाएगा, ये मैं समझना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी रही है जो कि भारत में अभी मान्य नहीं थी, और विदेशों में बहुत कुछ लेन देन क्रिप्टो करेंसी से हो रहा है। उससे कम्पीट करने के लिए भारत सरकार ने भी RBI से, बहुत समय से चल रहा था कि भारत की अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी हो, इस बार बड़े सदे हुए कदमों से भारत सरकार ने अपनी करेंसी लाने की प्रयत्न किया है। क्रिप्टो करेंसी को हतोत्साहित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ पे 30% कैपिटल गेन टैक्स लगाए। दूसरा, डिजिटाइज असेट्स, जिसकी डेफिनेशन अभी आनी बाकी है, जो एक दूसरे से आदान प्रदान किए जाते हैं उसमें 1% TDS लाए हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर के दायरे में नहीं है, परंतु मैंने अपने हिसाब से नोट किए, जो एक सामान्य आदमी को समझने की ज़रूरत है कि उससे अपनी इकोनॉमी में रफ्तार कैसे आएगी, जिसमें एक वंदे भारत ट्रेन से लोगों की गतिशीलता बढ़ेगी, 400 नई ट्रेनों के जोड़े दिए जा रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब रेलवे बजट अलग से नहीं आता, इसी बजट के साथ रेलवे बजट आता है। हाँ, ये बात जरूर है, मोदी जी का नया ट्रेंड है 2017 से। हाँ, ये बात जरूर है कि पूर्व में मिलने वाले कुछ कंसेशन वगैरह नए में गायब हो चुके हैं, या लाएंगे नहीं लाएंगे वो अलग बात रही, परंतु लोगों की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। दूसरा, लोगों की सामान्य, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा चले, उसके लिए उन्होंने प्रोविजन किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग ज़्यादा आए बजाय कि इंडिविजुअल अपने ट्रांसपोर्ट पे, जिससे कि डीजल पेट्रोल इसका भार बढ़े। गवर्नमेंट ने पुराने बजट से पूर्व की घोषणाओं को भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन चालित व्हीकल, इस पे जोर दे रही है, इसको प्रोत्साहन दे रही है, इन इंडस्ट्रीज को बूस्ट दे रही है ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो। इंडस्ट्री के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं ताकि कार्बन इफेक्ट को कम कर सकें। मैं आपसे, आपको रोकूंगा मैडम से एक सवाल इसी बीच में, आपसे फिर मैं आपके पास आऊंगा कि क्या अच्छा हुआ है, और आपसे टैक्स को लेकर भी बात करूंगा क्योंकि आपकी जो विशेषज्ञता है मैं चाहूंगा कि उससे हमारे दर्शकों को लाभ मिले। रेखा आचार्य जी,
दो बड़े मुद्दे थे देश के सामने बजट आने के पहले, एक बेरोजगारी का मुद्दा, लगातार नौजवान कह रहे हैं रेलवे की परीक्षा हुई उसके बाद जिस तरह का हंगामा देश ने देखा, जिस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, और बेरोजगारी के आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था में से जो 20 करोड़ के करीब बेरोजगारी जो है वो गायब हो गई है, जिस तरह की बातें, वो एक बड़ा मुद्दा था। और दूसरा बड़ा मुद्दा, आप महिलाएं भी हैं, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ रसोई घर का खर्चा जो बढ़ रहा है, जो महंगाई जो बढ़ रही है, और लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं, ये बजट बेरोजगारी की दृष्टि से और महंगाई की दृष्टि से कितनी राहत पहुँचाता हुआ दिखता है आपको? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, तो जैसे कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें जो मुद्दा उठा है कि उसमें स्टार्टअप्स के माध्यम से सरकार ने बेरोजगारी को कम करने की बात कही है, और वो तकरीबन आज यदि हम देखें तो हमारे जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, जो करीब कोरोना काल में जो 26% तक हमारी बेरोजगारी की दर पहुंच गई थी, उसमें कमी हुई है 9.8% तक की। और ये एक सरकारी आंकड़े दिखाई देते हैं, पर वास्तविकता यदि आप देखते हैं तो वास्तविकता ऐसी दिखाई देती है कि बेरोजगारी में वास्तव में कोई कमी नहीं आई है ना, क्योंकि अभी भी लोगों के पास, स्पेशली जो मध्यम वर्गीय आय वर्ग है, उसके पास अभी भी अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम बनी हुई है। उसको ये नहीं पता है कि जो इनकम उसको जहाँ से मिलती थी उसमें कोविड के पश्चात कमी तो आई ही है, लेकिन और कहाँ से जनरेट होगी ये उसको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो सेविंग रेट्स हमारे यहाँ, सेविंग रेट जैसे लगातार कम हो रहे हैं, तो उससे जो पहले वो एक आय का जरिया हुआ करता था उसमें भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है, ना ही कोई नए एवेन्यूज हमारे को दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से बेरोजगारी की दर आंकड़ों के हिसाब से यदि हम देखें तो घटती हुई दिखाई देती है, पर वास्तव में बेरोजगारी की दर अभी भी कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ 40 करोड़ का कार्यबल है, जो करीब करीब जो है 60 करोड़ के करीब होना चाहिए था। डेमोग्राफिक डिविडेंड को यदि आप देखेंगे, जो मतलब जो वर्किंग एज ग्रुप जिसको हम कहते हैं, अभी हम देखें जो हमारी वर्किंग एज ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंट है वो युवा शक्ति का है, जो 20 साल से लेके 29 साल तक है, और ये तकरीबन टोटल पॉपुलेशन के मान लीजिए 60% लोग हैं। इनके लिए अभी एकदम से स्टार्टअप के माध्यम से यदि आप सोच रहे हैं कि बेरोजगारी को कम कर पाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही के आंकड़े आए हैं जिसमें ये कहा गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप तो है, तो अब आप एक समझ सकते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप होना और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को उससे रोजगार मिलना एक असंभव सा प्रतीत होता है। अब बात मैं महंगाई की भी आपसे चाहूंगा, क्योंकि महंगाई का भी बहुत बड़ा प्रभाव था, और ये कहा जा रहा था कि चुनाव के मद्देनजर भी सरकार चाहती कि महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और उससे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार भी मान रही है कि पेट्रोल डीजल के कारण महंगाई बढ़ रही है, तो क्या ये बजट महंगाई पर लगाम लगा पाएगा? मुझे तो नहीं दिखता है कि महंगाई पे ये लगाम लगा पाएगा, क्योंकि अभी जो आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ममता बनर्जी ने भी वही बात कही है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी वही बात कह रही है जो आप कह रही थी कि बेरोजगारों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई में इसलिए लगाम नहीं लग सकती है क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम तो अपनी तरीके से बढ़ रहे हैं, और आप जानते हैं कि इसका एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट होता है। अर्थशास्त्र में हम कहते हैं कि जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर या भी कहीं पे भी, मतलब महंगाई सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी में वो डीजल और पेट्रोल ही सबसे मेजर फैक्टर होता है जो महंगाई को बढ़ाता है। खासकर डीजल, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो महंगाई का घट पाना, जब तक ये नहीं घटते तब तक महंगाई का घट पाना मुझे नहीं दिखाई देता कि महंगाई घट पाएगी, बल्कि और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने जा रही है उसका मल्टीप्लाइड इफेक्ट होगा, तो चौतरफा आर्थिक विकास तो होगा लेकिन उसका सीधा असर महंगाई पे हो ऐसा नहीं दिखा। चपलो साहब, क्या टैक्स रिजर्व बढ़ाने की बात नहीं कहेगी कि जो भी आपके यहाँ पैसा मिलेगा हम जब्त कर लेंगे, और ज्यादा डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? टैक्स टेररिज्म है ये? टैक्स टेररिज्म नहीं कहा जाए, लोगों को सावधान किया जा रहा है कि आप अपनी आय का उचित प्रतिशत सरकार को देते रहें जो मिलना चाहिए। तो जैसे GST की रेवेन्यू बढ़ी, इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स की भी रेवेन्यू बराबर आए, तो इस बात की संभावना है कि आगे चल के टैक्स की दरों में कमी आए। इसके ध्यान में रखते हुए इन्होंने मैट, जो कॉपरेटिव सोसाइटी पे मैट जो पहले लग रहा था 18%, उसको भी रैशनलाइज किया है, सरचार्ज को रैशनलाइज किया है,
एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन मिलता था स्टेट जो है 10% देती थी उसको 15% किया है। स्टार्टअप को टैक्स इंसेंटिव एक साल के लिए और बढ़ाया है। नई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ को जो 2022 तक चालू होने वाली थी उनको भी टैक्स इंसेंटिव मिलना था उसको 2023 तक बढ़ा दिया है ताकि इंसेंटिव लोपाक लेके नए इन्वेस्टमेंट नए अपॉर्चुनिटी और नई प्रोडक्शन। पेंशन वालों को कुछ छूट दिए, पेंशन वालों को कुछ राहत दी है, एनपीएस वालों को राहत दी है, पेंशन वालों को नहीं। जिनको एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे थे गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही थी उस कंट्रीब्यूशन की लिमिट बढ़ाई गई है तो वो एक राहत जरूर राहत है। बाकी कोई ऐसा उसको 14% तक बढ़ाया गया है, पहले 10% हुआ करता था उसकी राहत, अब वो 14% बढ़ गई है। लेकिन फिर वही सवाल, हालांकि उसका जवाब आप दे चुके हैं कि आपको तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, नौकरी पेशा वर्ग बहुत उम्मीद कर रहा था कि आयकर की स्लैब में परिवर्तन होगा, कोई छूट की लिमिट बढ़ाई जाएगी। और सर मैं आपको टोकते हुए बोलता हूँ, भारत की कुल जनसंख्या व्यक्तिगत आयकरदाता उसका प्रतिशत नापी है, उस प्रतिशत में भी आयकर देने वालों की 5 लाख की स्लैब 10 लाख की स्लैब तक की संख्या नापी है। आपको पता लग जाएगा कि आयकर देने वाले 10% 10 लाख से ऊपर वाली स्लैब के 30% स्लैब के टैक्स देने वाले कितने प्रतिशत लोग बाग हैं। क्या एक लिमिटेड परसेंटेज लोगों के लिए पूरी भारत की 136-150 करोड़ जनसंख्या के साथ बैलेंस नहीं किया जाए? आयकर सिर्फ इसीलिए है, जो आयकर का बेसिक प्रिंसिपल है कि गोचरी जैसे ग्रास जैसे जितना कैपेसिटी टू बियर द लॉट उस हिसाब से लिया जाए। पंख नोचे जिसमें कि जो मुर्गा जो है वो चीखे ना कैपेसिटी टू बियर द लॉट उस हिसाब से आयकर की अभी भी दरों में बदलाव की अगले 2 साल भी मैं गुंजाइश नहीं देखता। जबकि सरकार सिर्फ ये सोच के हमको लोग लुभावन बजट देना है, कुछ 5% या 10% पब्लिक को खुश करना है तो रही बात अलग। रेखा जी, किसानों के लिए अगर बात करें, क्योंकि ये चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में पूरा किसान है, यूपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों का है, और ये किसान आंदोलन भी बहुत लंबा चढ़ा है, और इस वक्त मोदी सरकार की परीक्षा है कि वो किसानों का विश्वास जीत पाती कि नहीं जीत पाती, क्योंकि अगर चुनाव के नतीजे खिलाफ चले गए तो निश्चित रूप से मोदी जी की जो 2023-2024 की जो लड़ाई है वो कठिन हो जाएगी। तो किसानों के लिए इस बजट में क्या है? पिछले 2 बजट तो हमने कहा ही था खेत खलियान गांव का बजट है, और इस बार भी आपको कैसा लगता है किसानों के लिए? किसानों के लिए इस बार सरकार ने बहुत कुछ दिया है। इसमें देखिए तो आप सबसे पहले है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किसानों को दिया जाएगा, उसमें बढ़ोतरी करी है इन्होंने। इस बार के बजट में 2.37 करोड़ और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से फार्मर्स को दिए जाने की बात कही है। दूसरी बात है एमएसपी की, तो इन्होंने कहा है कि एमएसपी को पर ही किसानों से उनके धान की खरीदी करी जाएगी। और इसके साथ जैसे इस ये साल जो है इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, तो मिलेट ऐसे फार्मर जो मिलेट या मतलब धान या इस तरह की चीज़ों उगाते हैं उनके लिए स्पेशली इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, उनको स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जाएगा। हाँ, और इसके साथ एक जो बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि इसमें 5 जो रिवर हैं उनको इंटरलिंक किया जाएगा, तो जिन जिन प्रदेशों में इसमें मुख्य जो है वो उत्तर प्रदेश की जो रिवर्स हैं, मध्य प्रदेश की जो रिवर्स है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मिंग है, ऐसे स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है प्रधानमंत्री तब जी। लेकिन इसका लाभ सरकार को, हाँ इसका लाभ फार्मर्स को पहुंचेगा, हाँ इसका लाभ फार्मर्स को पहुंचेगा। अटल जी का सपना था लेकिन इसको मोदी सरकार पूरा करेगी, उसको पूरा करेगी मोदी सरकार, लेकिन इसका जो लाभ मिलेगा वो फार्मर्स को ही मिलेगा कि उनको ज्यादा उपलब्धता हो जाएगी पानी की, तो इरिगेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है सदुपयोग भी हो पाएगा, जो बहुत सारा पानी बाढ़ के रूप में बाहर चला जाता है वो बहुत ही एक वैज्ञानिक योजना है कि जो हम पानी का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, वाटर मैनेजमेंट होगा, जो अनावश्यक पानी बाढ़ के रूप में बह जाता है गाँवों को बह जाता है उसका सही चैनलाइजेशन होगा, और जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ पानी पहुंच पाएगा। बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ा सपना जो अटल जी ने देखा था, अगर वो पूरा होता है तो देश की तकदीर बदल सकती है। और एक और बात है इसमें कि नेचुरल फार्मिंग
फार्मिंग पे ज्यादा जोर दिया है इस बार के बजट में, कि जैसे आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको और यदि आप उगाएंगे तो उसके लिए भी आपको इंसेंटिव दी जाएगा। तो कुल मिला के फार्मर पे आपको सवाल करूंगा चपलो साहब से, क्या ये चुनावी तोहफा मान लें किसानों के लिए हम, कि जो इस तरह किसानों की मैडम ने बताया तो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो किसानों के लिए एक तरह से निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, टीम मोदी की तरफ से किसानों के लिए तोहफा है? आप तोहफा शब्द या ये प्रयोग कर सकते हैं, परंतु गत 3 सालों से बजट जो आ रहा है उसको आप बराबर देखते आए तो इस मोदी सरकार की इस समय में गत 3 सालों से प्रायोरिटी यही रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पर गांव में किसान की आमदनी बढ़े। आप सिर्फ इस बजट को नहीं बोले, गत बार भी बजट तो कुछ ऐसा ही था, जिस वक्त आपने प्रश्न किया था कि ये बंगाल के मुद्दे रख मद्देनजर किसानी बजट है, बजट 1 साल के लिए नहीं है, निर्मला सीतारमण जी ने अगले 25 साल का प्लान दिया है, 25 साल के विजन को रखते हुए मूल रूप से भारत का जो आत्मा गांवों में बसती है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं इस मामले में थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि इनकम टैक्स की रेट नहीं मिली है, ये नहीं मिली, परंतु इस 3 साल से लगातार प्रयास ये रह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़े और उनकी आमदनी बढ़े। हो सकता है कि हर व्यक्ति के अपनी अपनी आय का तराजू में ये बैठे कि MSP कम है या किसानों से रिकवरी कम हो रही है, किसानों को अपनी लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है, परंतु सरकार उस तरफ दिशा में प्रयत्नरत है अपनी। और अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो केन बेतवा परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, तो मध्य प्रदेश में जो केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड को बहुत लाभ होगा, विदिशा को बहुत लाभ होगा, और एक हम कह सकते हैं कि किसानों को उस बेल्ट की उस पट्टी के किसानों की तकदीर बदल जाएगी। सही है, मैं यही तो कह रहा हूँ, 2 साल से सरकार प्रयत्न भी इसमें, ठीक है सपना अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय देखा हो गया होगा, परंतु शनय शनय समय के साथ उन चीज़ों को क्रियान्वित करना और उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रवेश देना ये भी बहुत आवश्यक है। क्या उपभोक्ता का खर्चा बढ़ाने के बारे में बात की जाए, जो उपभोक्ता का कंजम्पशन बढ़ाया जाए, उसकी जो है उसकी क्रय शक्ति बढ़ाई जाए, तब जो है वो हमारी बजट को गति मिलेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, इस तरह की कोई कोशिश, एक इंजन लगाने की कोशिश अर्थव्यवस्था में, मैंने कहा बूस्टर लगाया है। ऐसा डायरेक्ट मेजर तो नहीं मिला है कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति किस तरह से बढ़ेगी, ऐसा इस बजट में कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता हमको, लेकिन ये मानते हैं, जब हम ये जानते हैं कि जब आप किसी भी अर्थव्यवस्था में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसका जो परिणाम होगा लोगों की को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो नो डाउट उसके पास आय आएगी और आय के माध्यम से वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। जनरेट करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आय बढ़ती है तो परचेसिंग पावर बढ़ता है, परचेसिंग पावर बढ़ता है तो खर्चे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में एक गति आती है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ आप ऑलरेडी मतलब प्राप्त कर चुके हैं उसको सस्टेनेबिलिटी भी एक वो स्थिर भी रहती है आपकी इकोनॉमी के अंदर। गति योजना की बात भी इस बजट में कही निर्मला जी कर रही थी कि 5 उन्होंने इंजन बताए हैं, विकास के इंजन 7 इंजन बताए हैं उन्होंने, गति शक्ति योजना के नाम से, PM गति शक्ति योजना के नाम से इन्होंने इस ये एक महत्वपूर्ण पिलर है इस बजट का, जिसमें उन्होंने 7 इंजन बताए हैं, जिसमें रेल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और इनके ऊपर भरपूर कम्युनिकेशन, इन पे भरपूर ध्यान दिया जाएगा, और इनको न केवल कनेक्शन इनमें आपस में सामंजस्य लाया जाएगा, लेकिन इनके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो भी आपस में इंटरलिंक्ड करके किया जाएगा, ताकि 7 के 7 इंजन ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। चपलो साहब, अगर बात हम करें कि जो गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं या जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी उनके ऊपर किस तरह से ये टैक्स की, आप कह रहे हैं कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, GST बहुत अच्छी आई है, वित्त मंत्री भी उसको कह रहे हैं कि 1.40 लाख करोड़ का GST कलेक्शन है अकेले जनवरी में, तो ये कलेक्शन क्या उस ग्रास रूट लेवल के आदमी की दशा और दिशा को बदल पाएगा जो आज भी 16 रुपये से लेकर 22 रुपये रोज कमाता है? सर, ये कलेक्शन जो बड़ा है
इट इज़ ड्यू टू नॉट कि टैक्सेशन में ज़्यादा लोग बाग आए हैं, बेटर टैक्स मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो पहले कुछ चीज़ें करके दायरे से बाहर रह जाती थी, अब जो नहीं आती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से टैक्स मैनेजमेंट के बेटर सिस्टम से ये कलेक्शन आया है जो पहले भी आना चाहिए था। एक दूसरा, इस टैक्स मैनेजमेंट के सिस्टम में अभी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। इस वर्ष मार्च 2022 के लिए भी आप इनकम टैक्स, इनकम 21 के इनकम टैक्स के 22 के फाइलिंग के बारे में भी देखें तो दसियों बार तारीखें बढ़ाई गई है, दसियों बार फॉर्म में परिवर्तन किया गया है। ये एक उस तरफ गति देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बेटर टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम ला सकें, एफिशिएंट सिस्टम ला सकें। परंतु मेरे को एक ही सवाल आपके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाना है कि हम लोगों से, आप एफिशिएंट मैनेजमेंट की आशा रखते हैं, एफिशिएंट टैक्स पेमेंट की आशा रखते हैं, क्या भारत सरकार का इतना बड़ा लवाजमा और इतना बड़ा आईटी डिपार्टमेंट सिस्टम, पूरा सिस्टम एक साल के लिए बगैर कोई बदलाव किए एक फॉर्म निश्चित कर सकता है या एक निश्चित डाटा लेने का एक निश्चित तरीका कर सकता है कि साहब साल भर तक हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, तो असेसी भी खुश रहे, कंसल्टेंट भी खुश रहे और सामान्य आदमी को भी नहीं। व्यापारी बहुत परेशान है, जीएसटी का फॉर्म नहीं भरा जाते, वो कंप्यूटर सर्वर डाउन रहता है, पेनल्टी लग जाती है, टैक्स लग जाता है, जाम में फंस गया तो पेनल्टी लगा दी, एक तरह का व्यापारी कहता है कि ये टैक्स टेररिज्म है। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि डायरेक्ट ये नहीं कह कि टैक्स टेररिज्म है, मेरा सवाल ये है कि हम व्यापारियों से, सामान्य करदाता से सबसे सत्यता की, सत्य ढंग, सही ढंग से टैक्स भरने की अपेक्षा रखते हैं। क्या हम व्यापारी को ये दे सकते हैं कि एक साल तक आपको इसी सिस्टम में, इसी लॉजिक के हिसाब से टैक्स भरना है और ये फुल प्रूफ सिस्टम है, थोड़ा हमको राहत मिल सके, वो बार बार जो परेशान हमारी तरफ से सिस्टम में कोई कमी नहीं आएगी, हमारी तरफ से सिस्टम लेता रहेगा, लास्ट मिनट पे स्टेक पेयर ये नहीं कहेंगे कि साहब साइट क्रैश हो गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम एक रोबस्ट सिस्टम, आपको अगर, मेरे को याद है कि मैंने जीएसटी जब लागू हुआ था तब इसी मन से एक बार ये कहा था कि क्या हम इतना बड़ा रोबस्ट सिस्टम, इतने बड़े डाटा को मैनेज करने का सिस्टम बना सकते हैं कि इनपुट टैक्स की क्रेडिट आउटपुट को दे दिया जाए। आज भी बहुत बार GST R1 GST R2 में मिसमैच मिलते हैं, ऑटोफिल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं आते हैं, अभी भी बजट में, संसद में ये माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि ऑटोफिल सिस्टम में कुछ कमियां आई है, कुछ चीजें रह गई है जिसको सुधारने के लिए मौका दे। आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रही थी? जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो जीएसटी की जो प्रोसेस है वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। एक आम व्यापारी, यदि आप कह रहे हैं आप इतने खुश हैं जीएसटी कलेक्शन से, कई बार वो व्यापारी होता ही नहीं है बल्कि उसको हायर करना पड़ता है। तो अभी जो आपकी जीएसटी सिस्टम है उसको आप सरल करिए। अभी क्या होता है, किसी भी व्यापारी को 3 बार जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसको, ये इसको कम करके यदि उसको ईयरली क्वार्टरली रिटर्न करना पड़े, फाइल करना पड़े, तो ये जो जीएसटी कलेक्शन है ये और बढ़ जाएगा, जिस पे आज सरकार खुश हो रही है तो जीएसटी कलेक्शन और बढ़ जाएगा, नंबर एक। नंबर दो कि अभी सरकार जो ई वे बिल प्रोसेस लेकर आ रही है हर एक, तो आप ये भी देखिए कि किसी भी जो भी कोई बिजनेस है वो उसका खुद का टर्नओवर कितना है। टर्नओवर बेस यदि आप ई वे बिल लगाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारे भारत में मुख्यतः जो बिजनेस होता है वो नॉन कॉर्पोरेट होता है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ज्यादा हमारा बिजनेस है, और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को किस तरह से जीएसटी के दायरे में लेके आए, इसके लिए एक प्रक्रिया आपको सरल दिखाने, अभी अभी भी हमारा जो पैसा आ रहा है वो उधार से ज्यादा, उधार से ज्यादा आता है, 35 पैसा अभी भी हम उधार से बुलवा रहे हैं, चिप्स पे चलता है, बाकी 65 पैसा जो है हमारा इधर उधर से आ रहा है, लेकिन 35 पैसा जो हम उधार से खर्च चला रहे हैं, तो ये उधार की अर्थव्यवस्था, उधार की अर्थव्यवस्था है जी। हाँ, तो मतलब ये जीएसटी कलेक्शन और बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जीएसटी कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। हालांकि एक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि यदि आपने रिटर्न गलत फाइल कर दिया है तो 2 साल तक आप अपने रिटर्न की गलती को सुधार सकते हैं। सिर्फ आयकर के लिए जीएसटी की रिटर्न में अगर कोई गलती हो गई तो उसकी भूल सुधार की कोई गुंजाइश, कोई प्रोविजन नहीं है।
इसलिए आम व्यापारी बहुत परेशान है। सर, क्या इस बजट को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है? चुनाव के मद्देनजर 5 राज्यों के चुनाव है। मैं आपसे निश्चित रूप से सहमत हूँगा कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, परंतु समय के साथ वो उसी गति में उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। 19-20 कर होगा बजट में, एक साल चुनाव नहीं है तो कुछ स्ट्रिफ मेजर हो सकते हैं, एक साल चुनाव है तो कुछ सरल उपाय हो सकते हैं, परंतु जो विजन 2025-2030 के लिए, अगले 10 सालों के लिए जो विजन सरकार ने लेके चली, उसी दिशा में बजट अपने हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद चपलो साहब, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। बहुत धन्यवाद रेखा आचार्य जी, अर्थशास्त्र की बहुत बारीकियों को बहुत सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। दर्शकों, निर्मला जी का ये बजट का असर बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा और चुनावों के नतीजे भी बताएंगे कि जनता ने इस बजट को किस हद तक और कैसे स्वीकार किया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बजट में मोदी जी ने बहुत बड़ा दाव खेला है, उनकी सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाकर इस बजट को पेश किया है। बहुत कुछ अच्छा है इस बजट में, ज़्यादातर अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मुझसे सहमत नहीं थे, रेखा जी भी सहमत नहीं थी, फिर भी मैं मध्यम वर्ग की बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं लिमिट आयकर की बढ़नी चाहिए थी, लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी। महंगाई और बेरोजगारी अभी भी एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार, हम शीघ्र हाजिर होंगे एक नए पैनल के साथ, एक नए विद्वानों के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़ की खास पेशकश केंद्रीय बजट।